सभी रेसिपीज की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, खमागणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिला कुक बुक पर। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे नींबू और मिर्ची का अचार, जो कि हम बनाएंगे बिना तेल के। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं बिना तेल का नींबू और मिर्ची का अचार। नींबू और मिर्च का अचार बनाने के लिए जो जो सामग्री काम में आएगी वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6-7 नींबू ले लिए हैं और इनको मैंने धो के और अच्छे से पोंछ के सुखा लिया है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अचार का मसाला लिया है, जो कि रेडीमेड बाजार में मिलता है। इसके अंदर पीली सरसों और राई वगैरह सब कूटी हुई होती है, तो मैंने ले लिए। और यदि आपके पास अचार का मसाला नहीं हो तो आप थोड़ी सी राई को हल्का सा दरदरा करके ले सकते हैं और पीली सरसों भी डाल सकते हैं यदि आपके पास हो तो। यहाँ पे मैंने अदरक ले ली है थोड़ी सी, उसके लंबे लंबे ऐसे छील के पतले स्लाइस कर लिए हैं। थोड़ा सी मैंने ली है कलौंजी और यहाँ पे मैंने ली है हींग और थोड़ी सी मैंने मेथी ली है, दाना मेथी। उसको मैंने ड्राई रोस्ट करके हल्का सा दरदरा कर दिया है। और सौंफ मैंने ली है, सौंफ को भी मैंने ड्राई रोस्ट करके और हल्का दरदरा कर लिया है। यहाँ पे मैंने रखी है मिर्ची, ये देखिए ज्यादा इसके अंदर मैं डालूंगी, लाल मिर्च पड़ी है मेरे पास तो मैं लाल मिर्च डालूंगी। और दोनों को थोड़ा हरी भी डाल दी मैंने ताकि कलरफुल हमारा अचार अच्छा लगेगा, तो हरी और लाल मिर्च का दोनों इसके साथ नींबू के साथ हम डालेंगे। और यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर रखा है। वैसे तो लाल मिर्च पाउडर की इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि मिर्ची है, लेकिन थोड़ा सा हम डालेंगे कलर के लिए, इससे हमारा अचार का कलर अच्छा दिखेगा। और हल्दी डालेंगे इसके अंदर हम, और इसके अंदर हम डालेंगे नमक। नमक अचार में बराबर होता है तो अचार हमारा खराब नहीं होता है। और वैसे ही नींबू का रस प्रिजर्व करता है, तो इसके अंदर नींबू है तो अचार खराब नहीं होगा। इसे हम बनाएंगे बिना ऑयल के, यानी कि बिना ऑयल के हम अचार बनाएंगे और उसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा हम नींबू का रस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मिर्चों को नींबू को सबको धो के सुखा लिया था अच्छे से। और अब ये जो नींबू रखा है मैंने एक साबुत, इसका हम रस निचोड़ेंगे इसलिए मैंने रखा है। और यदि ज्यादा मात्रा में अचार हो, मैंने पहले बना लिया था तो अभी मैं थोड़ा बना रही हूँ दिखाने के हिसाब से। और यदि आप ज्यादा बना रहे हो तो उसमें 2-3 उसकी मात्रा के अनुसार 2 या 3 नींबू भी निचोड़ सकते हैं। वैसे इसके अंदर हमने ये नींबू भी डाले तो इसका भी रस इसके अंदर चला जाएगा। साथ में मैंने जो लाल मिर्ची ली थी, ये मथानिया की देसी लाल मिर्ची है, तो बहुत ही टेस्टी होती है और इसका कलर और जो स्वाद होता है इसके अंदर तेजी भी होती है, तो वो मैंने ली है। और ये थोड़ी छोटी छोटी थी तो मैंने साबुत ही रख दी। ज्यादा लंबी हो तो आप उसके 2 टुकड़े कर लें। और इसके अंदर मैं मसाला अंदर नहीं भर रही हूँ, इसी को चीरा लगा के बीज से मैंने बीज निकाल दिए और इसके 2-2 टुकड़े कर लिए। साथ में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची रख दी है, तो हरी मिर्ची के भी बीज निकाल के मैंने टुकड़े कर लिए। और इसके अंदर जब हरी मिर्ची इसलिए डाल रही हूँ, मिर्ची लाल ज्यादा डालूंगी क्योंकि मेरे पास लाल मिर्ची ज्यादा है। और आप लोग चाहें तो जिस मात्रा में दोनों तरह की डाल सकते हैं, तो मैंने हरी कलर के लिए, थोड़ा अच्छा कलरफुल दिखेगा हमारा अचार। और साथ में मैंने नींबू ले लिए, इनको भी कट कर लिया, बीज निकाल दिए और इस तरह से टुकड़े कर लिए इनके भी। साथ ही हमने अदरक को छील के इस तरह से लंबे लंबे इसके टुकड़े कर लिए, तो ये नींबू के रस में खट्टी होके बहुत ही अच्छी लगेगी और सारा फ्लेवर आ जाएगा इसका अचार में भी। और अब हम मैं दिखाती हूँ दूसरे मसाले। और ये मैंने एक कांच की भरनी ले ली है, या कोई भी आपके पास हो तो प्लास्टिक की भी ले सकते हैं। तो इसको पूरा अच्छे से सूखा होना चाहिए बिल्कुल, तो भी हमारा अचार खराब नहीं होगा। तो अब इसको साइड पे रख देते हैं। तो अब हम इसके अंदर ये अचार के जो हमने काट के रखी है सब मिर्ची वगैरह, इसके अंदर मैं डाल देती हूँ भरनी में सीधा ही। ये बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत जल्दी बन जाता है। ये देखिए आप, हमने बस काट के इसको धो के पोंछ के इसके अंदर डाल दिया। थोड़े बीच बीच में अदरक के टुकड़े और थोड़े नींबू के टुकड़े और फिर से थोड़ी मिर्ची के, इस तरह से हम ऊपर नीचे करते हुए सारे हम इसके अंदर भर देंगे। यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें भरनी में भर ली है। और अब सबसे पहले मैं इसके अंदर ये मेथी दाना जो मैंने ड्राई रोस्ट करके दरदरा कर लिया था, हम इसमें डाल देंगे। और ये अभी मेथी थोड़ी दिख रही है, लेकिन ये जब फूल जाएगी इसके रस में तो ये काफी मात्रा में हो जाएगा मसाला। बहुत ज्यादा मसाला भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सौंफ जो मैंने दरदरा करके ड्राई रोस्ट करके रखी थी, तो इसके अंदर करीब 3 टीस्पून मैंने सौंफ डाल दिए। नमक इसके अंदर डाल देंगे क्योंकि अभी अचार मसाला भी डालूंगी, उसमें भी नमक है, तो मैंने 2 टीस्पून डाले। इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेंगे ताकि नीचे तक मसाला चला जाएगा।
साथ में मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1.5 टीस्पून ये जो कलौंजी ली है यानी कि रायता, जो भी काला जीरा कहीं कहते हैं, कहीं कलौंजी कहते हैं, तो वो भी इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर डालेंगे हींग, कच्ची डाल देंगे हींग की, कच्ची हींग की खुशबू बहुत अच्छी होती है और इसके अंदर बड़ी पड़ी ये तैयार हो जाएगी, हमारे मसाले में मिल जाएगी। तो 1 टीस्पून में हींग डाल रही हूँ इसके अंदर, इसको भी हम हिला लेंगे। 1 टीस्पून में हल्दी पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि 4 मसाले हैं उसमें भी हींग हल्दी पाउडर है हमारा, और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा कलर के लिए, बाकी मिर्ची इसके अंदर है ऑलरेडी। अब ये अचार का मसाला मैं डाल रही हूँ जो बाजार में मिलता है रेडीमेड, इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर, इसके अंदर राई है, पीली सरसों वगैरह सब पीसी हुई होती है तो अच्छा फ्लेवर आता है, तो मैं डाल रही हूँ। और यदि ये नहीं है तो आप ये मसाले डाल सकते हैं या फिर राई को थोड़ा सा दरदरा करके डाल सकते हैं। तो मैं करीब 4 चम्मच ये डाल रही हूँ, 4 टीस्पून। अब इसको वापस से हिला लेंगे हम। तो सारे मसाले वगैरह हमने इसमें डाल दिए हैं और अब हम इसमें ये जो नींबू एक मैंने रखा था उसका रस इसके अंदर निचोड़ देंगे हम। अब इसमें सारे मसाले मिलाने के बाद हमने नींबू का रस भी निचोड़ दिया है। अब मैं इसके अंदर ढक्कन लगा दूंगी इसके ऊपर जार पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सब, और इसको हम एक बार फिर से हिला लेंगे अच्छे से, मसाले सारे हिल जाएं और रस भी। और ये देखिए इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला है मैंने, और आप यदि इसको नमक चखना चाहे तो इस मसाले को थोड़ा सा चख सकते हैं, जब थोड़ा सा ही गल जाए तो ऊपर से थोड़ा सा नमक यदि कम हो तो आप डाल सकते हैं, वो तो वैसे ही मिक्स हो जाता है। और भी कोई मसाले यदि आपको डालने हो तो आप डाल सकते हैं, वैसे इसमें प्रॉपर सब डल गए और मिर्ची वगैरह सब है, तो इसको थोड़ा हिला के, और हम एक दिन आप धूप दिखा सकते हैं और नहीं भी दिखाएं तो अंदर भी ये बन के और 6-7 दिन में ये अचार तैयार हो जाता है। जब हल्का सा नींबू का कलर चेंज हो जाए, हल्का सा ब्राउन हो जाता है, तो समझ लेना कि आप अचार तैयार हो गया और इसको आप खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम समय में और कितनी जल्दी हमारा नींबू का और मिर्ची का ये मिक्स अचार तैयार हो गया, और वो भी विदाउट ऑयल यानी बिना तेल के। हमारा ये नींबू और मिर्ची का अचार तैयार है, तो इसके अंदर जो हमने अदरक डाली थी, मिर्ची सब अच्छे से गल गई है और खाने के लिए तैयार हो गई है। तो इसको करीब 10-12 दिन रखा था हमने, और 2-3 नींबू का रस मैंने इसमें और निचोड़ दिया था, तो आप भी चाहें तो इसके अंदर निचोड़ सकते हैं। उस समय मैंने एक ही नींबू निचोड़ा था। तो अब ये बिना तेल का अचार तैयार है और आप इसे किसी भी पराठे या चपाती के साथ खा सकते हैं। तो देखा आपने, बिना तेल के भी हम अचार बना सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और यदि आप चाहें, पहले मैंने बोला था 5-6 दिन में तैयार हो जाता है, लेकिन यदि बारिश का सीजन है तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसको बनने में, और धूप में यदि आप 2-3 दिन रख देंगे तो जल्दी बन जाएगा, और बारिश है तो धूप नहीं आती है तो 10-12 दिन में अचार खाने के लायक हो जाता है। तो ये अचार खाने में स्वादिष्ट तो लगता ही है, साथ ही साथ इसमें तो ऑयल भी नहीं है, तो कई लोग ऑयल पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसे आप चपाती, पराठे या किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो आप जैसे चाहे इसे बनाइए, खाइए और खिलाइए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगली रेसिपी तक के लिए खमागणी। सब्सक्राइब करें प्रमिलास कुक बुक चैनल को और जुड़ जाइए स्वाद के अनूठे सफर से, और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप किसी अपडेट को मिस ना करें।